ये ट्यूटोरियल है तुझसे दूर जो होता हूँ, संग भाई गजेंद्र वर्मा। और इसको प्ले करने के लिए हम लोग 4th फ्रेट पे केपो लगाएंगे। केपो लगाने से सॉन्ग इजी हो जाएगा। और इसका मेन है कि इसका इंट्रो इजी हो जाएगा, जो प्लकिंग है स्टार्ट में वो इजी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 4 कॉर्ड यूज़ हुए हैं, बस सी मेजर, जी मेजर, इसका इंट्रो जो है वो प्लकिंग बेस पे है और ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। वो मैं बताता हूँ कैसा है। उसको प्ले करने के लिए वही कॉर्ड पोजिशन रहेगा, सी जी ए माइनर एफ। स्टार्ट कैसे करेंगे इसमें? 5th स्ट्रिंग 3rd, फर्स्ट सेकेंड एक साथ ऐसा, और फर्स्ट सेकेंड को अल्टरनेट करते रहेंगे ऐसा। फिर इसको फास्ट करेंगे तो ऐसा सेम जी कॉर्ड पे करेंगे, 3 फिंगर यूज करेंगे जी कॉर्ड में। और 6th स्ट्रिंग और उसके नीचे वाला जो स्ट्रिंग है वो सेम पैटर्न, 3rd फर्स्ट सेकेंड साथ में और अल्टरनेट। फिर ए माइनर पे आएंगे, ए माइनर पे हम लोग 5th स्ट्रिंग, फिर नीचे की स्ट्रिंग सेम 3rd एंड 1st सेकेंड ऐसा, और फिर एफ पे आएंगे उस पर भी 6 और नीचे का सेम 3rd 1st सेकेंड साथ में और अल्टरनेट। तो पूरा जब कर लेंगे तो सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे मैंने किया अभी थोड़ा। गाने के लिए हम लोग या तो फिर पिकिंग प्लकिंग यूज़ करें या तो फिर स्ट्रमिंग पैटर्न, लेकिन स्ट्रमिंग पैटर्न ज़्यादा इजी होगा गाने के लिए भी और प्ले करने के लिए भी। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इसमें जो शुरुआत की जो लाइन है, तेरी आँखों के सहारे मैं ख्वाब देखूँ सारे, तो उसको जो है हम लोग डाउन 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 इसमें यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट का जो है उसकी समिंग पैटर्न दूसरी टाइप की है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो इसको मैं गाऊंगा नहीं, हमिंग करूंगा, उससे आप समझ लेना कैसे आया क्या। फिर शुरू होती है वो लाइन, तुझसे दूर जो होता हूँ। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रमिंग दूसरी यूज़ करेंगे। उसमें मैंने चक टेक्निक यूज़ की है, क्योंकि सॉन्ग में जब आज सुनेंगे ओरिजिनल वाला तो उसमें एक क्लैपिंग की बीट है और एक बीट भी है, तो वो फील लाने के लिए अगर चक यूज़ करेंगे तो उससे बिल्कुल रियल फील आएगी। तो वो मैं एक बार आपको एक लूप प्ले करके बताता हूँ, उसके बाद फिर स्ट्रमिंग पैटर्न बताऊँगा आपको। तो मैं हैमिंग कर रहा हूँ और स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ। समिंग पैटर्न इसकी कैसी है बता दो, ऐसे सेम सारे कॉर्ड्स पे करेंगे सेम वैसे ही। कैसे मैं प्ले कर रहा था अभी। और इसमें एक छोटी सी लीड भी है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे प्ले नहीं हुई है बल्कि वोकल लीड है, वो
ऐसा कुछ करता है, तो उसको अगर गिटार प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा उससे। अगर दो गिटारिस्ट प्ले कर रहे हैं तो एक वो प्ले कर सकता है लीड। बहुत सिंपल सी है। इसको प्ले करेंगे केपो से बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, देन फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, देन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, स्लाइड अप टू 12 फ्रेट, 12 फ्रेट, देन मैं ऐसे प्ले कर दे रहा हूँ, आप देख लो कि कन्फ्यूजन हो रही फ्रेट में। बस इतना ही था। और अगर कुछ छूटा हो या कुछ गलत बताया हो मैंने, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था यूट्यूब पर।